हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 19 नवंबर और दिन है ट्यूसडे का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ जो है द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, जितने भी रोज़ की जो डेली न्यूज़ होती है हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपका द हिंदू का फ्रंट पेज है, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी न्यूज़ है। सबसे पहले ये वाली न्यूज़ है कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो है लोकसभा का विंटर सेशन चालू हो गया है, तो उसमें जो है सारे MPs ने एक फारूक साहब का मुद्दा उठा दिया है कि उन्हें जो है डिटेन क्यों कर रखा है अभी भी। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो है जितने भी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको डिटेन कर लिया गया था। तो उन्होंने बोला है कि फारूक साहब भी इस सेशन के मेंबर हैं, तो उन्हें भी यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, वो यहाँ पे क्यों एबसेंट हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इसका मुद्दा उठा दिया और उन्होंने बोला कि इलीगल है, उनके ऊपर ज्यादती है। और यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है, जैसे कि आप देखते हैं महाराष्ट्र में अभी भी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है और वहाँ पे सरकार बनाने के पीछे लेके सारी पार्टीज़ में आपस में तनातनी चल रही है। तो PM मोदी साहब ने बोला है कि जो है कि बाकी सारी पार्टीज़ को NCP और BJD मेंबर्स से सीखना चाहिए कुछ, लाइक वो लोग बिल्कुल भी रश क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी जो है केओस नहीं बढ़ा रहे हैं, और इसी तरह बाकी सारी पार्टीज़ को भी परफॉर्म करना चाहिए यहाँ पर और आराम से सारी बातें करनी चाहिए। आगे चलते हैं। और जैसे हम देख रहे थे काफ़ी दिनों से कि JNU में जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, स्टूडेंट वर्सेस पुलिस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने काफ़ी पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करी और इसको रोकने के लिए काफ़ी सारी फोर्सेस को लगाना पड़ा, जिसके चलते वहाँ पर स्टूडेंट और पुलिस के बीच में क्लैश देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर फिर से महाराष्ट्र के इलेक्शन के लेके ही मुद्दा उठाया गया, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है कि जैसे कि आप जानते हैं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को इस Q2 में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया को तो 50,000 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है, तो उन लोगों के लिए मतलब ये वो झेल नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले कि उनके जो टैरिफ हैं, हमारे जो रिचार्ज कराते हैं हम मोबाइल में, वो 5 से 10% तक हमें बढ़ोतरी हो सकता है देखने को मिले। तो आपके हो सकता है रिचार्जेस महंगे हो जाएं, जो लोग भी इन दोनों कंपनीज़ के यूज़र हैं उनके रिचार्जेस महंगे हो जाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारी कंट्री में VVIP लोग जो होते हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती है। सिक्योरिटी में सबसे ऊपर जो सिक्योरिटी, सबसे टॉप मोस्ट सिक्योरिटी की जो कैटेगरी होती है वो SPG कैटेगरी होती है। तो जो है जो कांग्रेस पार्टी के जो हेड थे, जैसे कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी जी, इनको SPG कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले जो SPG कैटेगरी की जो है सिक्योरिटी हटा ली थी, ये कह के कि एक तो ये SPG सिक्योरिटी के रूल्स के फॉलो नहीं करते हैं मतलब, और जो है ये जो है उनको मतलब वो है क्या कहते हैं कुछ ज़्यादा दी गई है और इसकी ज़रूरत नहीं है इसे देने के लिए। तो उन्होंने SPG हटा के Z+ सिक्योरिटी दे दी गई थी। तो Z+ सिक्योरिटी में इनके साथ CRPF के जवान शामिल हो गए थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो उन्होंने बोला है कि इनएडिक्वेट है और हमारे लिए मतलब ये सही नहीं है, हमें इससे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये वाली दिल्ली की रोड्स को लेकर बात करी गई है कि उन्होंने बोला है कि सरकार ने कि हम जो 2020 तक जितनी भी सारी जो कच्ची सड़कें उनको पक्का बना देंगे, पेव्ड सड़क्स हो जाएंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है भूटान को लेके। भूटान जो अब क्या करने वाला है कि शायद इंडियन टूरिस्ट पे भी जो चार्जेस लगाने वाला है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हम लोग जो सारी कंट्रीज जो और जो कंट्रीज़ हैं वो GDP पे बात करती हैं, आप जानते हैं कितना कोई कितनी कमाई कर रहा है, कितना क्या कर रहा है, और बट जो है भूटान में ऐसा नहीं है। भूटान जो है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स पर वर्क करता है, लाइक वहाँ के लोग खुश कितने हैं उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, कोई कितना कमा रहा है, हम कमाएंगे आगे फ्यूचर में या नहीं कमाएंगे, या किस कुछ काम करने से हमारी कमाई रुक जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला कि इनके यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे थे। एक्चुअली होता क्या, जब कहीं टूरिस्ट ज़्यादा जाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि लिमिट से ज़्यादा जाने लगते हैं, तो वहाँ का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। ऑब्वियस है वो लोग अपना कचरा वगैरह वहीं फैलाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो टूरिस्ट प्लेस भी जो है ख़राब होने लगती है। तो यही देखते हुए काफ़ी मतलब क्या हो रहा था कि इंडिया से काफ़ी सारे लोग, बहुत लोग जा रहे थे भूटान। तो उन्होंने क्या बोला है कि अब जो है हम इंडियन टूरिस्ट जितने भी उन पे भी हम एक मिनिमम चार्ज रखेंगे, वो मिनिमम चार्ज है $250, लगभग ये ₹18,000 पर डे का बैठता है कि, और ये मतलब ये है कि भूटान में सिर्फ एंट्री लेने के ही आपके ₹18,000 पर डे लगेंगे और बाकी जो आप जो करते हैं वो तो एक्स्ट्रा है ही है। तो इन्होंने कहा पहले तो ये चार्जेस नहीं थे जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है, मालदीव्स हैं, ऐसी कंट्रीज़ पर, बट अब इंडिया को इसमें से निकाल दिया गया क्योंकि इंडिया के बहुत सारे टूरिस्ट जाने लग गए हैं अब। तो आगे चलते हैं गाइस। ये आपका पेज नंबर 2 आ गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के जो पानी को लेकर बवाल मचा हुआ था, तो केजरीवाल साहब ने बोला है पासवान जी को कि जो है कि आप जो चैलेंज मतलब उन्होंने चैलेंज किया है कि आप चेक कर लीजिए दिल्ली का वाटर बिल्कुल 100% सेफ है और जितने भी टेस्ट हुए हैं आज तक सारे ही वो खरे उतरे हैं। आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी ये वाली न्यूज़ है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले चल रहा था कि जो है कि दिल्ली में पुलिस वर्सेस लॉयर, तो जो है लॉयर्स ने बोला है एक अपील डाली थी हाई कोर्ट में, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे जो कोर्ट की सिक्योरिटी के लिए पुलिस वगैरह लगाई जाती है, पुलिस फोर्स लगाई जाती है, उसको हटा के कोई नई फोर्स को लगा दिया जाए। वो जाहिर सी बात है एक रिवेंज के लिए लेने के लिए कर रहे थे वो, तो हाई कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं पुलिस फोर्स ही रहेगी, कोई और फोर्स नहीं लगाई जाएगी सिक्योरिटी के लिए। आगे चलते हैं। बाकी इस पेज पर अपने लिए कुछ भी नहीं है।
यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है कि दिल्ली में एक जो है फ्री सीवर कनेक्शन देने की मुहिम चालू करी गई है 31 मार्च तक, और इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर योजना। इसमें क्या है, जितने भी लोग जो है अप्लाई करेंगे उन्हें मतलब एक तारीख दे रखी है, उससे पहले अप्लाई करना है 31 मार्च तक, तो उससे पहले अप्लाई कर देंगे तो उनके यहाँ उनके एरिया में जितने भी सीवर कनेक्शन होने वाले होंगे वो फ्री में हो जाएंगे उनके। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.34 लाख हाउस होल्ड्स को जो फ़ायदा मिलने वाला है। आगे चलते हैं, यहाँ पे अपने लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्रिमिनल न्यूज़ है तो अपन लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे जैसे कि देखने को मिला था हमें कि जो कि एयर क्वालिटी थी जो दिल्ली की वो संडे तक जो है सही हो गई थी, मतलब जो सीवियर कैटेगरी से गिर के पुअर कैटेगरी में आ गई थी काफ़ी हद तक सही हो गई थी। तो फिर से यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्सडे तक हो सकता है फिर से वो सीवियर कैटेगरी में जाने को मिल जाए, क्योंकि हवा चलना बंद हो गई। तो हवा से क्या हो रहा था, पॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब हट जाते हैं, अब हवा चलना बंद हो गई तो फिर से पॉल्यूशन बढ़ सकता है। और यहाँ पे वही वाली न्यूज़ को बात करी गई जो सड़क पक्की करने के लिए 2 अगस्त 2020 तक उन्होंने मतलब टारगेट सेट किया है कि अपना जो है वो सारी सड़क को पक्की बना देंगे। और यहाँ पे उन्होंने एक और बात बोली कि जो ऑडी वन को अब तक बात चल रही थी कि हो सकता है उन्हें एक्सटेंड कर देंगे कुछ उस स्कीम को, तो उन्होंने बोला कि अब जो पॉल्यूशन को जितना कम होना था वो हो चुका है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं कि हम इसको आगे बढ़ाएं। एक यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है ओला और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में। इसमें क्या है, एक्चुअली ओला और माइक्रोसॉफ्ट ने जो है पार्टनरशिप करी है, हाथ मिलाया है एक दूसरे से, किस चीज़ को लेके, कि जो वो दिल्ली में जो जैसे आप जानते हैं पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और भी सिटीज़ में बढ़ रहा है, तो उन्होंने बोला है कि ये दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे कि स्ट्रीट जो मतलब एयर क्वालिटी है स्ट्रीट्स की वो कैसी है और उसको कैसे मतलब किस वजह से बढ़ रही है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो ओला और माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को लेके एनालाइज किया और उस पर रिसर्च करेंगे वो लोग। आगे चलते हैं, ये आपका पेज नंबर 4 आ गया, यहाँ पे बड़ी सी फोटो दे रखी है जिसमें पुलिस वर्सेस स्टूडेंट्स चल रहा है जेएनयू के। यहाँ पे ये पूरा पेज उसी से भरा हुआ है कि लाठी चार्ज कर दी थी पुलिस वालों ने स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला है, फिर पुलिस वालों ने ये बोला है कि भाई हमने तो नहीं कराया लाठी चार्ज, तो वो लोग एक दूसरे पर क्लेम कर रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये टीचर्स ने जो वहाँ के जेएनयू के टीचर्स हैं उन्होंने बोला है कि ये जो जितना भी फंडा क्रिएट हो गया, जितना भी केओस हो गया, ये इस चीज़ के जो जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारा जिम्मेदार है। अगर वो चाहते, जैसे कि जो वाइस चांसलर साहब हैं वो चाहते अगर, तो स्टूडेंट से बैठ के बातचीत करते और शांति से मुद्दा सॉल्व हो जाता, बट नहीं, ये सब उनकी जिम्मेदारी है, उनकी वजह से हुआ है, टीचर्स ने वहाँ के ये बोला है। आगे चलते हैं, बाकी ये न्यूज़ अपने लिए नहीं है, सारी क्रिमिनल न्यूज़ है। यहाँ पे झारखंड में फिर से पॉलिटिकल एजेंडा है, बीजेपी वर्सेस और पार्टीज़ हैं, तो अपने लिए डिस्कस करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है, जैसे कि जानते हैं हरियाणा में एक नई चीज़ हुई है कि आप अगर मान लीजिए हमें किसी स्टेट में कोई जो है लीकर की दुकान है या फिर शराब की दुकान है, कोई ठेका बंद कराना होता है, तो स्टेट के पास जाके एप्लीकेशन देनी पड़ती थी कि हमें ऐसे बंद करानी है। अब इन्होंने क्या किया, हरियाणा में क्या कर दिया है, ग्राम सभा को पावर दे दिया, अब उनको स्टेट के पास नहीं जाना पड़ेगा अगर किसी लीकर को शराब को बंद करना है तो, लाइक उस पर बैन लगाना है, तो अब ग्राम सभा में खुद के पास पावर हो जाएगी और वो खुद भी कहीं भी बंद कर सकते हैं अपने, अगर किसी को बैन करना है कि लीकर की दुकान वगैरह। और यहाँ पे जो हाउस रेंट अलाउंसेज होता है जो मिनिस्टर्स के लिए, उन्होंने ये भी बढ़ा दिया है। पहले उनको मिनिस्टर्स को 50,000 HRA मिलता था, अब उसको 50,000 से बढ़ा के 80,000 कर दिया, और प्लस 20,000 जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसके लिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको देखना एक ये वाली न्यूज़ है यूपी को लेके, आपको देखने को मिल सकता है कि हो सकता है कि आगरा का नेम चेंज हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि योगी सरकार में काफ़ी सारे नाम चेंज करने की मुहिम सी चालू हो गई है, लगभग पहले प्रयागराज कर दिया इलाहाबाद को, फैज़ाबाद को अयोध्या कर दिया, अब उन्होंने ये भी सोचा है कि शायद आगरा को भी कर दें, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे कमेटी बिठा दी गई है, उन्होंने बोला है कि इस कमेटी को आदेश दिया है कि आप चेक करो हिस्ट्री में कहीं भी आगरा को कुछ और किसी और नाम से तो नहीं बुलाया जाता था, अगर किसी और नाम से बुलाया जाता तो हम उसी नाम से इसको चेंज कर देंगे। और यहाँ पे उड़ीसा में भी असेंबली स्टार्ट हो गई है, तो उसके बीच में भी काफ़ी सारे तनातनी चल रही है। आगे इस पेज पे सारा एडवर्टीजमेंट है तो अपने लिए नहीं है। यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में जैसे कि आप जानते हैं अनसीजनल रेन हो गई है, तो काफ़ी सारे क्रॉप्स को नुकसान हुआ है, तो जितनी भी पार्टीज़ हैं बीजेपी वगैरह, तो उन्होंने जो है आपस में मिलके उन्होंने वो गवर्नर के पास गए, उन्होंने बोला है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको उनकी क्रॉप्स का कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जो है आपको थोड़ा सा अपना रिलीफ फंड और बढ़ा दीजिए ताकि उनको हम जो है कंपनसेट कर सकें फार्मर्स को। आगे चलते हैं, बस यहाँ पर ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं है अपने लिए डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है कि पुणे में क्या है, एक जो कोई एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वर्कर था, वो क्या कहता है, गाना गा के जो पुराने गाने गा के जो है वो ये मुहिम चला रहा है कि जो है कि ताकि लोगों को ये समझ में आए कि कूड़ा सड़क पे नहीं फैलाना है। तो वैसे तो मुहिम अच्छी है, उसका तरीका भी अच्छा है, पुराने गाने सुना के वो लोगों का ये बताता है कि कूड़ा सड़क पर नहीं फैलाना चाहिए। आगे चलते हैं,
ये आपका पेज नंबर 8 आ गया, यहाँ पे ये मॉइस्ट पकड़ा गया है, तो ये अपने क्रिमिनल न्यूज़ है तो अपने लिए नहीं है। यहाँ पे कर्नाटका में जो दोबारा से इलेक्शन होने वाले थे जो, तो उनके पीछे जो नॉमिनेशन था वो चालू हो गया है और काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब रश देखने को मिला है उसमें, क्योंकि दोनों पार्टी सारे मिलकर नॉमिनेशन चालू कर दिया उन्होंने, तो काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला है यहाँ पर। आगे चलते हैं, बाकी अपने लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश में जो है क्या था कि उड़ीसा के कुछ बच्चे थे जो है 32 लेबर बच्चे थे जो 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 काम कर रहे थे ईंट के भट्टे में, जैसे आप जानते हैं ईंट बनाने की जो फैक्ट्री होती है उन्हें भट्टा बोलते हैं, तो उसमें काम कर रहे थे, तो उनको रेस्क्यू कर लिया गया। यहाँ पे 32 बच्चे थे, तो जैसे आप जानते हैं कि चाइल्ड लेबर मना है हमारे यहाँ पे, इंडिया में चाइल्ड लेबर जो है बिल्कुल सख्त मना है, तो उस वजह से उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया वहाँ पर। आगे चलते हैं, एक यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। एक प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम चालू की थी PMMVY, इसमें क्या था कि जो एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें क्या होता था कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती थी जब उनकी प्रेगनेंसी सेशन चालू हो जाता है तो उसके बाद वो काम वाम नहीं कर पाती हैं, तो अगर वो जॉब वर्किंग होती हैं या फिर कोई जॉब कर रही होती है तो उन्हें लॉस भी होता है अपनी, मतलब उन्हें अपनी आमदनी नहीं हो पाती है। तो उन्होंने क्या मुहिम चालू की थी कि अगर जो भी महिला इसमें एनरोल करेगी अपने फर्स्ट, अगर उसकी फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो रही है तो लाइक वो पहली बार प्रेग्नेंट है, तो जो है उसमें क्या होगा कि 6,000 रुपये मिलेंगे उसे, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, 2,000 की इंस्टॉलमेंट में 3-6,000 रुपये मिलेंगे, ताकि वो उसको कंपनसेट कर सके जो वो उसकी आमदनी रुक जाती है प्रेग्नेंट होने की वजह से। तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें ये देखने को मिला है कि जो है सिर्फ जो है 61% ही महिलाएँ ऐसी हैं जिनको कंपनसेशन मिल पाया है, बाकी 100% में से सिर्फ 61% महिलाएँ ही ऐसी हैं, और जिसमें से जो काफ़ी सारी तो ऐसी महिलाएं हैं जिनको जो है टोटल इंस्टॉलमेंट्स में से सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट मिली है, ये डाटा दिया हुआ है इसमें, तो जो है सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट मिली है और बाकी जो 61% ऐसी महिलाएं हैं जिनको टोटल इंस्टॉलमेंट मिल गई है। तो मतलब जो ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि मतलब ये स्कीम इतने ज़्यादा अच्छे से लागू नहीं करी गई है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक इसरो को लेकर न्यूज़ है कि इसरो जो है कार्टोसैट जो है सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, ये PSLV C47 व्हीकल को लेके ये सैटेलाइट लॉन्च होगी, और इसमें जो है 13 जो है US की स्मॉल सैटेलाइट्स भी जा रही हैं इसके साथ साथ, और ये लगभग 1500 किलो का वज़न है इसका। आगे चलते हैं, बाकी ये आपका एडिटोरियल पेज आ गया, तो इसमें अपने लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक डेटा पॉइंट दिया हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बात करी हुई है कि जो भी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है पूरे इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं उनके बारे में बताया गया कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में लगाया गया, कितनी बार लगाया गया और कितने दिनों तक लगाया गया। तो इसमें यूपी ने स्टॉप किया है फिर से कि प्रेसिडेंट रूल लगने में यूपी सबसे आगे है, वो 9 बार अब तक जो है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। इसमें एक्चुअली क्या होता है जब कोई पार्टी जो अपनी सरकार नहीं बना पाती होती है वहाँ पर, मतलब तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, तो जो इसको लगभग जो है मैक्स टू मैक्स 3 साल तक लगाया जाता है और मिनिमम 6 महीने तक लगता है, और 6 महीने बाद फिर से जो है इसे जो है क्या कहते हैं अपनी लोकसभा से पास कराना होता है, और जो है फिर दोबारा 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगर इसको हटाना हो, जैसे प्रेसिडेंट रूल लग गया किसी स्टेट पे और फिर किसी को हटाना हो, तो सिर्फ जो है किसी हमें मतलब कहते हैं वोटिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है पार्टीज़ की, हम जो सिर्फ प्रेसिडेंट है हमारे वही इसको सीधे हटा सकते हैं कि अब जो अब प्रेसिडेंट रूल हटा दिया जाए। तो सबसे ज़्यादा यूपी में लगाया गया है, और सबसे ज़्यादा दिनों तक बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर में लगाया, लगभग 3,500 दिन तक, 3567 इतने दिन तक लगा हुआ है। आगे चलते हैं, ये आपका पेज नंबर 12 आ गया। यहाँ पे अपने लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। एक यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके बात करी गई है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो है 2017 में जो है एक इलेक्टोरल बॉन्ड करके जो है स्कीम पेश करी थी अरुण जेटली जी ने। उन्होंने क्या बोला था कि जैसे पार्टीज़ को जो है फंड दिया जाता है, मतलब हिडन फंड दिया जाता है, जो जो काला धन होता है वो सब एज अ फंड दे देते हैं, तो उन्होंने बोला था अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर देंगे तो इससे जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा तो हुआ नहीं उसमें, ये देखने को मिला। उसमें क्या था कि जैसे अगर मान लीजिए मुझे किसी पार्टी को पैसे देने हैं, डोनेशन देना है या फिर जो है कुछ भी चंदा मान लीजिए कुछ भी बोल दीजिए उसको देना है अगर पैसे वगैरह, तो क्या होता है आप बैंक में जाइए, जैसे SBI में गए और हमने बोल दिया कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड लेना है, वो कितने का भी हो सकता है, 1,000 से लेकर कई लाखों करोड़ तक हो सकता है, तो लीजिए और जो है उसमें अपनी KYC फुलफिल करिए उस फॉर्म में, और उसको जो है कि वो आपकी पार्टी को दे दिया जाएगा। अब क्या था कि जो है कि वो उसकी जो आइडेंटिटी थी जिस बंदे ने भी खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड, उसकी आइडेंटिटी वो रिवील नहीं करी जाएगी, वो बैंक तक ही सीमित रहेगी। तो इससे क्या हुआ कि फिर से वही हो गया, अब जब भाई उस बंदे की आइडेंटिटी ही रिवील नहीं करी गई तो फिर से हो सकता है काला धन ही अपना छुपा रहा हो। तो ये इस बार देखने को मिला था कि इलेक्टोरल बॉन्ड में काफ़ी ज़्यादा हाइक देखने को मिला था, तो काफ़ी लोगों ने मतलब करोड़ों रुपये का जो है फंड पार्टीज़ को दिया गया था। तो जो है कांग्रेस ने इस पर इन पर इल्ज़ाम लगाया बीजेपी पे कि जो है कि
ये लोग एक तो जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से अपना काला मनी हटा जो है छिपा रहे हैं, और जो आरबीआई ने इन्हें पहले भी वार्न किया था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड सही चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं, ये आपका पेज नंबर 13 आ गया। यहाँ पे वो जम्मू कश्मीर के इंटरनेट को लेके बात करी गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पे जो जो वायर इंटरनेट है, जो वायर लैंडलाइन से जो इंटरनेट चलता है वो तो चालू है, मगर जो वायरलेस इंटरनेट है वो चालू नहीं है। तो वहाँ पे ये बोला गया है कि उनको जो है सारा मतलब पूरे फुल टू इंटरनेट का एक्सेस मिलना चाहिए। आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है कि जैसे कि आप जानते हैं जो जो हमारे CJI थे रंजन गोगोई जी, वो रिटायर हो गए हैं। तो जो नए बोबडे साहब हैं ये CJI बने 47, तो इनको जो है शपथ दिला रहे हैं रामनाथ कोविंद साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट जी हैं। आगे चलते हैं, ये आपका वर्ल्ड न्यूज़ वाला पेज आ गया। और यहाँ पे हांगकांग का जो प्रोटेस्ट है वो ज़्यादा बद से बदतर होता हुआ दिख रहा है। और जो है जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने चाइना के, उन्होंने बोल दिया कि अगर हमारे सिपाहियों को कुछ भी हुआ तो हम जो गोली चलाने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। और यहाँ पे श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट बने गोटबाया जी, उनके लेके बातचीत करी गई, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही उनके फंडेज हैं जो पॉलिटिकल एजेंडाज़ हैं कि हम आगे क्या क्या करेंगे, उन्हीं को डिस्कस करा हुआ है। आगे चलते हैं, यहाँ पे यूएस में जो है वॉलमार्ट स्टोर के बाहर जो शूटिंग कर दी गई है, तो जो है कि 3 लोग मर गए हैं उसमें, यहाँ पर ये दिखाया गया। और यहाँ पे फिर से वही श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबाया जी को बोला है, यूएस ने बोला है कि शायद हम देखते हैं इनके साथ मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं आगे। आगे चलते हैं, और यहाँ पे फिर से वही फ्रंट पेज वाली न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वोडाफोन आइडिया एयरटेल को जो है 5 से 10% हो सकता है हाइक कर दें वो अपने टैरिफ्स को। तो जो जैसे कि आप जानते हैं Q2 में जो इनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा है, और उन्होंने बोल दिया था सरकार से, इवन ये भी बोल दिया था कि अगर हमारे इनके ऊपर कुछ फ़ाइन भी लगे तो ऊपर से प्लस इनके Q2 में लॉस भी हो गया अपना। तो इन्होंने बोला है कि सरकार से एक गुहार लगाई थी कि हमारे जो फाइन है, हमारे ऊपर जो फाइन लगा वो उसको माफ़ कर दें, वरना हमें जो है इंडिया से बिज़नेस समेटना पड़ेगा, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो बट जो अभी तक तो माफ़ नहीं किया हुआ उन पर जितना भी फाइन है, बट देखते हैं उन्होंने इसको टैकल करने के लिए इसीलिए अपने रेट्स को बढ़ा रहे हैं वो लोग। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है। जैसे कि आप जानते हैं पहले रिलायंस बहुत चलता था, रिलायंस का सिम काफ़ी चलते थे, रिलायंस कम्युनिकेशन, RCOM बोलते हैं इसे शॉर्ट में। तो जो है ये बैंकरप्ट हो गई, अब तो चल नहीं रही बिल्कुल भी। तो जियो ने, हो सकता है कि जियो के मतलब ऑफिशियल्स ने बताया कि हो सकता है जियो जो RCOM को बाय कर ले, और जो है मतलब जो भी इनके बीच में डील थी, क्योंकि जो है पहले इसको जो है एयरटेल खरीदने वाला था, अब एयरटेल ने बैक ऑफ कर लिया अपना, तो जो है अब जियो सामने आया है इसको खरीदने को लेके। आगे चलते हैं, यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है कि अमेज़ॉन, जैसे जानते हैं कि अमेज़ॉन एक बड़ी जायंट जो है ई कॉमर्स कंपनी है, तो वो इंडिया में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस चलता है इसका। तो जो उनके हेड हैं बेजोस, जेफ बेजोस, ये इस टाइम जो है वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी हैं। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया में वैसे बिज़नेस तो अच्छा चल रहा है हमारा, बट जो है जो रेगुलरिटी स्टेबिलिटी आ जाएगी, जैसे कि आप जानते हैं कि टैक्सेस वगैरह में अभी कोई स्टेबिलिटी है नहीं ई कॉमर्स को लेके, कभी वो बढ़ा देते हैं इंडिया वाले, कभी कम कर देते हैं। तो उन्होंने बोला जैसे स्टेबिलिटी आ जाती है हमारा बिज़नेस और भी अच्छा होने की उम्मीद है। यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है RBI को लेके, इसमें क्या बोला है कि जैसे RBI पे जो सरप्लस फंड आ जाता है तो जो है उसको जो गवर्नमेंट को दे देते हैं वो लोग। तो उन्होंने बोला है कि इस अगर हम गवर्नमेंट को कोई भी फंड देना होगा आगे फ्यूचर में, तो उसके ऊपर भी कई फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनको डिसाइड कर लिया गया, उन्हीं फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर डिपेंड होकर ही ये सरप्लस फंड को ट्रांसफ़र करा जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। जो निर्मला सीतारमन जी हैं उन्होंने ये रिटर्न में जो रिपोर्ट भेजी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक बैंक डिपॉजिट को जो FD डिपॉजिट्स होते हैं उनके लेके बात करी गई है। जैसे कि हम जानते हैं हम लोग बैंक में FD वगैरह कराते हैं, तो जैसे RBI ने अपनी जो है रेपो रेट्स वगैरह कम कर दी थी, तो बैंकों ने भी FD पे जो इंटरेस्ट मिलता था आम लोगों को, जो हम लोग हैं नॉर्मल FD कराते हैं उन पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी कम होता जा रहा था। तो इस बार क्या देखने को मिला है, SBI ने रिपोर्ट दी है कि FD में जितने भी लोग जो इन्वेस्ट करते थे, FD कराते थे, तो उन्होंने जो है अब जो भाई जब उन पर इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया कि FD से हटा के अपना पैसा FD में न लगाते हुए जो इक्विटी स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसमें लगाना चाहा है। और इस बार ये रिपोर्ट आई है कि जो है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उस पर जो है जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका पैसा काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। तो उनकी ये उम्मीद करी गई है कि FD से हटा के लोगों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे कि पेटेंट्स को लेके बात करी गई, पेटेंट्स एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने कोई चीज़ इन्वेंट करी है मान लीजिए, तो हम उसको पेटेंट करा लेते हैं, वो हमारे नाम से ही रहेगी और कोई उसे यूज़ नहीं कर पाएगा, लाइक हमारा उस पर कॉपीराइट हो जाता है। तो जो यहाँ पे एक रिपोर्ट बताई गई है कि इंडिया में सबसे कम पेटेंट दिए गए हैं, मतलब एक आदमी 6 लाख के ऊपर, मतलब 6 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर एक आदमी ने पेटेंट कराया इस बार। और 2018 की बात करें तो US ने 56,000 पेटेंट्स कराए हैं, और जो है चाइना ने 60,000 पेटेंट्स कराए हैं, और जो इंडिया ने सिर्फ 2100।
पेटेंट्स कराए हैं, तो मतलब इंडिया को काफ़ी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे हम तो यहाँ पे जो है इनोवेशन तो कुछ करते नहीं है, मतलब वैसे ही वही घिसा पिटा चलता आ रहा है, तो इसीलिए जब इनोवेशन होगा तभी पेटेंट्स होंगे, तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, ये आपका शोकेस वाला पेज है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका स्पोर्ट्स पेज आ गया, यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है। जैसे हम जानते हैं कि DDCA के जो प्रेसिडेंट थे रजत शर्मा जी, हमने कल बात भी करी थी इस न्यूज़ को लेके, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। उन्होंने बोल के कि मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा, कि और लोगों का भला होने की बजाय जो और लोग हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं। बट जो ऑम्बड्समैन थे उन्होंने बोल दिया है कि उनको जो उनकी जो रेजिग्नेशन था उसको डिक्लाइन कर दिया, और जो फिर से वो जो है DDCA के प्रेसिडेंट बन गए रजत शर्मा जी। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक ये वाली न्यूज़ है। ATP के फाइनल्स हुए थे, तो जो है एक ये नए प्लेयर हैं जो एमर्ज हुए हैं, अब लेके निकले हैं, इनका नाम है स्टेफानोस। ये जो है, और जैसे कि आपने जो काफ़ी जो टेनिस के जो काफ़ी दिग्गज लोग हैं उनका नाम सुना होगा, रॉजर फेडरर, और जो है क्या कहते हैं नोवाक जोकोविक और रफाल नडाल, तो उनको डिफीट करते हुए ये, जबकि इन तीनों ही लोगों ने पिछले 15 साल से जो है इस चीज़ पे मतलब टेनिस पे अपना मतलब जोर जमा रखा था, तो इन तीनों को ही पछाड़ते हुए ये सबसे आगे निकले और सबसे यंगेस्ट बताए जा रहे हैं, 21 साल के हैं अभी। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपके ज़्यादा कुछ है नहीं अपने लिए इम्पोर्टेंट। ये आपका लास्ट पेज आ गया। तो गाइस जितनी भी न्यूज़ थी हमने आज की, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने सब डिस्कस कर ली। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और